अभी पहले तो लगाया जाना पढ़ने में आधा व्हाट्सएप व्हाट्सएप या हाइक तब तो वो नहीं था। आइए बाबा आ जाओ से हम लोग हैं अंदर और एक किसी स्विंग के अंदर हम लोगों ने घुस गए हैं। ये तो पत्थर की है धीरे धीरे एक मिनट इनको जाने दीजिए। दिखाई दिया भाई जिन्होंने नहीं सुने वो दोबारा सुने जाके चलो यहाँ से बताया गया था और हम लोग वापस क्लियरली सुने थे। हम लोग वापस क्लियरली सुने थे। यही भूल है हवा में टेक्नोलॉजी नहीं कि वही नहीं मिल रही है ठंड डाल पेशा ही खाए चौदह सही है सब समझने की चीजें होती है और देखने की चीजें होती है। आइए देखिए साहब अभी आप लोग ने पहले मंदिर में गए थे इतने पंडित जी दूसरी मंदिर पर आकर के आपने देखा होटल है जहाँ से दीवारों से बात की थी मैंने भी नहीं जवाब इस पर तीसरी मंदिर पर आकर के देखिए चौड़ी हो गई है। उसका कारण क्या था जो हमारा ईरान का इंजीनियर था कैफतुल्ला था अगर एक साल ये बिल्डिंग को वर्क कर देता तो बिल्डिंग बैठ जाती जगह जगह पर सलेक्शन करना जरूरी इसको था ये सब सिपाहियों के बैठने के लिए जो सामने वाले हवा रोशनदान में क्योंकि लेटिकेशन नई जमाने में थी। इधर भी देखिए दूर तक सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है पूरा लखनऊ का नजारा ऊपर वाली छत पर आपको दिखाऊंगा। दो बिल्डिंगें हैं क्रेटल है तीसरी बिल्डिंग चौड़ी है चौथी मंजिल पर पूरा हॉल लेटिकेशन बना दिया आज मैं दिखा दूँगा आपको। टीवी अपराध आप पढ़ रहे हैं क्या संसार में हो रहा है तो यहाँ आने के बाद में 50 रुपए का टिकट लेने के बाद में बदवा करते मैंने गुंडा कर दी जहाँ कैमरे से पुलिस का भी इंतजाम है मगर ये हम लोग चाहते हैं धर्म की चीज है ईश्वर की चीज है भगवान की चीज हम ऐसे नहीं चाहते कि जो कि को तकलीफ का मौका मिले जब हम इसको आपको करेंगे तो आप दोबारा जहाँ बिल्डिंग को देखने आएंगे तो इसीलिए कहते हैं किसी की गिरबत बुराई मत करो दीवारों का अगर जिसने नहीं सुना दोबारा जाकर सुन लें अलग से फोटो खींच लीजिए।
खड़ा भैया आप लोग बसते रहिए बसते रहिए बसते रहिए देखिए वो सामने लंबी सी मीनार दिखाई दे रही है आप लोगों को। लखनऊ का चार पांच स्टेशन है जहाँ आपको कलकत्ते की गाड़ी मिलती है। ये पुराना लखनऊ का चौक चिकन महल कपड़ा वगैरह ये मेडिकल कॉलेज है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लखनऊ वन एन एंड मिलिट्री फॉर यहाँ पर रहते थे मेरे चार बाग कहाँ के जा रहे हैं आइए इधर आइए सर चार बाग चार बाग वो सामने लंबी सी मिनार दिखाई वो ये चार बाग हनुमानपुर बाबा मजार जहाँ पर अच्छा स्टेशन के पास देखा ना मजार देखा चार बाग को ये वही टावर का जी दूरे अनेक दूरे एक चार बाग वो की टावर जितना तो रही हो लखनऊ आपने के टाइम खाना मीटिंग होना शुरू हो गया मीटिंग स्टार्ट है আরে আমি মেরে দিচ্ছি আমি মেরে দিচ্ছি শুনাই দিয়া अभी सुनाई दिया अगला कस्टमर छूट जाएगा आपके चक्कर में रहेंगे अच्छा उन्होंने हम लोग को हटाने कहाँ जाते हैं आपको मैं अभी लेकर मिट्टी का सर आया इस तरह की दीवार ये पत्थर का दीवार है आगे सब लोग आगे आप तो थोड़ा लग गया तो पुराना वाला ही पत्थर जैसा है चलो सब लोग यही तो है यही इसी वजह से तो हम लोग आए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं तो ठंडे देखिए मैं सामने जा रहा हूँ ये कागज बजाऊंगा माची चलाऊंगा आवाज आएगी और जय सुबह पीछे डब पे खड़े हो गए बाबू जी सामने जा रहा बिल्कुल स्टेज पर ये कागज बजाऊंगा माची चलाऊंगा आवाज आएगी हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा तब समझ पाएगा इधर उधर देखिएगा कभी नहीं समझ पाएगा क्योंकि आदमी उसी तब भागेगा इधर आदमी ढेर भागेंगे हर हिंदुस्तान में यही तरक्की हो एक बार एक
पर आओ साइलेंट। এগুলো এখন আটকে দিয়েছে, সিধা 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 ঠিক আছে আসো। চলো লাইক অন্দর ঘুর রে আসুন আসুন আসছেন সকরা কেউ বনা ফসল ফস যায় আরে কোথায় তোর কেউ বয় যাচ্ছে না, ইয়ে বাহার চলে গেলে, ইয়ে বাহার চলে গেলে, আমি দেখবো ইয়ে বাহার কোথায় গেল। ইয়ে গেল কোথায়, আমাদের গাইড কোথায়, আমাদের গাইড বুঝবো না হারিয়ে গেছে। সারে লোক এক সাইড আয়েঙ্গে কিতা হুয়া ভাই এক সাইড জপিয়ে পিছে জপি আইয়ে এক সাইড জানে রাস্তা কাহা লিজে আপনি পড়ে লিখে হ্যাঁ 1773 में नीचे बामा बन लागे थे जी 1857 में गदर हुआ था अकाल पड़ गया था बड़ी हो गई थी जैसे जैसे आज की गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही लाखों आदमी मर रहा है अब पढ़े लिखे आदमी है मैं ऊँचा छापो मगर लोग कहते इसको कैसे इस पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया इस पर भटक गए
अच्छा 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 उस वक्त सेवन दिया गया मेरे शरीर थे। अब आकर राजी राजा नहीं है, जब मुहर्रम में ताजिया जैसे मंदिर में जाएगा गुरुद्वारे में जाएगा पूजा करेगा राम रहीम सीता ऐसे ये रसूल के नवासे करबला धरा भरिश्वर कुछ नहीं था, ये तो तोहमतें रखे गई है। राम को कह दिया है, भगवान को कह रहे हैं लोग क्या है, टीवी अखबार देख रहे हैं, अपने धर्म का अलग अलग है भारी वो मगर यहाँ कोई रानी राजा नहीं पूजे की जगह ईश्वर की जगह जैसे आपके पास कथा रामायण होती हमारे पास में मौजूद बैठे थे नमाज रोजा बजरी फोटा वगैरह सिखाते थे। ओके सर आज आप देखिए लकड़ी का ताजा बना रखा हुआ है इसका चंदन 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 की लकड़ी चंदन लकड़ी जानता है हाँ हाँ उसका है गोल्डन पॉलिश है सोने का नहीं है आप सर कहेंगे सोने का नहीं है गोल्डन आज दुनिया बड़ी तरक्की करती है बहुत पॉल्यूशन है आपकी तीन ये हैं पांच ये वाले और चार वो बस बस देखिए उस जमाने में कहते थे किसी गौर से समझ लीजिएगा उस जमाने में कहते थे किसी की विपत बुराई मत करो दीवालों के विकार होते हैं। आज आपके पास मोबाइल है टीवी है कंप्यूटर है इसलिए समझ लीजिएगा गौर से इस बिजली के अंदर आपको खड़ा करूँगा अब मैं वहाँ पर हूँगा और आप लोगों से कलकत्ते वाले से बात करूँगा ऐसे मोबाइल है समझ लीजिएगा गौर से ये नहीं है काम इधर हाँ दीवारों का रोल हम लोग कौन से है पुराने डिरेक्शन लेट है आइए ये क्या थोड़ी ईट से बना है कि नहीं ईटा है और क्या अगर की दाल है गोल है बेल है सुजारा है चूल्हापत्ती है ये सब से मसाला बनाया गया और ये ईरान का जीना जीना ना को लोहा रॉड आते ना बीम आते ना कुछ होते कुछ नहीं विदाउट बीम हाँ क्या क्या बताया दाल बेल खीरा चूना चूना वही सब सुर्खी वही सब जी मिलिए मसला तैरि करो वोटे बनाना हो ईरान के इंजीनियर के नाम तो क्या কাজটা দেখতে পেয়েছেন সেটি জল খেন এরপরে কষ্ট হবে অনেক সুবিধা খুশি খাবি না মায়ের খাশি হলে আবার মুশকিল पाँच छः फुट की लंबाई की ज्यादा थोड़ी लंबाई हाँ लंबाई उनकी मैंने सुना कम थी हाइट कम थी चौड़े ज्यादा थे मतलब छोटी मोटी थी उसमें आप भूलेगा भटकेगा कंफ्यूज होगा यहाँ से ऊपर तक गाइड आगे आप पीछे आखिरी आइटम के बाद जब रिटर्न होगा तो एक मिनट का समय गाइड को लगता है पाँच मिनट का समय आपको दे के छोड़ देगा जब आपके मन से रास्ता ढूंढिए जब आप नहीं निकल पाएगा जब निकाल कर जा रहे हैं तो वो सात वाले का बिल्डिंग है शाही बॉली तीन में वाटर वेल चार में घूमने का एक भाग का चार्ज लिखा हो देखिए 125 इसमें तीनों भाग में अलग अलग गाइड है अलग अलग लेगा तो बहुत महंगा पड़ा हमारे पास परिवार और है उसके साथ ले चलेगा तो 210 में तीनों भाग आपको एक ही गाइड दिखाएगा यहाँ भी भूल भुलैया भी और सात माले का पानी वाला मिलेगा 210 रुपये में सब लोग सबको घुमा देंगे तीनों जगह एक फैमिली मगर और है हमारे अकेले जाएगा तो तीनों जगह का पैसा 210 टका दे बोलते एकजन गाइड कर देते सब घूरिए
زمانے میں کہتے تھے کنواں, کنویں کو کہتے ہیں بولی. یہ اردو زبان کی اردو زبان اور عربی اور فارسی زبان ہے. اچھا اس زبان میں کہتے ہیں عربی کو کہتے ہیں کنواں کو بولی, بولی والے کنویں کو. ہمارے سامنے پانی دکھائی دے رہا آپ کو, یہ گیٹ دکھائی دے رہا ہے بس کے تحت. ارے ادھر آگے آئیے تو میں آپ کو سمجھاؤں. دیکھیے یہ گیٹ دکھائی دے رہا آپ کو ہے, اتر رہے ہیں وہ دیکھیے سامنے پانی ہے. ابھی چلیں گے سمجھے پہلے, پڑھے لکھے سمجھے پہلے. وہ پانی ہے یہ جو آدمی گزرے گا اس میں تصویر آ جائے گی. آئیے ابو نہانے کے چھوٹا بڑا محمد جو ادھر ہے, یہ کیا تھا؟ یہ خزانے کے لیے تھا. خزانے کے لیے ہاں, آپ گھر بنوائیں گے پانی کی ضرورت ہوگی. اچھا پانی تو اٹھا لیے یہاں پر, گومتی ندی تھی وہاں پر کنیکٹڈ. ہاں اس کو پریشر نہ ہو, اس کو 11 سال لگے تھے آپ سمجھیے, 1100 ایک سال پانی لانے میں دیر تھے, پانی سجا دیتا. نواب آصف اللہ بہادر نے کہا کہ بھیا یہ پانی آنے کی پریشن ہوتا کیا کرتے ہیں, ایران کے انجینئر میں گڈھا کھودا, اس آپ گھر میں ٹنکی لگاتے ہیں پانی سپلائی کے لیے تو پانی کھود دیتا, یا اسی طریقے سے یہاں کنواں کھودا گیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں بولی, بولی مانے کنویں کو کہتے ہیں, پانی کی جگہ ٹنکی کی جگہ اس پہ کر دیا, اس کے سر سے گومتی ندی سے ملا دیا تھا. اچھا کبھی اس کا پانی اوپر نہیں آتا تھا کہیں کبھی, ایسے کیوں؟ ایسے وہ ٹریڈیشن ایک ٹائم سب دیوالوں کے اندر پریکٹ ہوتا تھا, برسہ سے نیچے ہے ویسے اس کے اوپر بھی ہے. برسہ میں پانی, برسات میں پانی تو آتا ہے, جب برسات ہوگی تو پانی آئے گا, نکلے گا نکاسی ہے ہی نہیں یہاں پر, سوکھ جاتا ہے. برسات میں تو پانی جاتا ہے, برسات کی بات الگ ہے. ہاں برسات کی وجہ سے اس کا میکسیمم پانی آتا ہے, پانی آتا ہے, ہاں پانی ہو جاتا ہے. رانی کے نہانے کا چھوٹا بڑا محمد جو ادھر ہے, یہ کیا تھا؟ یہ خزانے کے لیے تھا. خزانے کے لیے نہیں, ہاں آپ گھر بنوائیں گے پانی کی ضرورت ہوگی. اچھا پانی تو اٹھا لیے یہاں پر, گومتی ندی تھی وہاں پر کنیکٹڈ. ہاں اس کو پریشر نہ ہو, تو اس کو 11 سال لگے تھے آپ سمجھیے, 1100 ایک سال پانی لانے میں دیر تھے, پانی سجا دیتا. نواب آصف اللہ بہادر نے کہا کہ بھیا یہ پانی آنے کی پریشن ہوتا کیا کرتے ہیں, ایران کے انجینئر میں گڈھا کھودا, اس آپ گھر میں ٹنکی لگاتے ہیں پانی سپلائی کے لیے تو پانی کھود دیتا, یا اسی طریقے سے یہاں کنواں کھودا گیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں بولی, بولی مانے کنویں کو کہتے ہیں, پانی کی جگہ ٹنکی کی جگہ اس پہ کر دیا, اس کے سر سے گومتی ندی سے ملا دیا تھا. اچھا کبھی اس کا پانی اوپر نہیں آتا تھا کہیں کبھی, ایسے کیوں؟ ایسے وہ ٹریڈیشن ایک ٹائم سب دیوالوں کے اندر پریکٹ ہوتا تھا, برسہ سے نیچے ہے ویسے اس کے اوپر بھی ہے. برسہ میں پانی, برسات میں پانی تو آتا ہے, جب برسات ہوگی تو پانی آئے گا, نکلے گا نکاسی ہے ہی نہیں یہاں پر, سوکھ جاتا ہے. برسات میں تو پانی, برسات کی بات الگ ہے. ہاں برسات کی وجہ سے اس کا میکسیمم پانی آتا ہے, پانی آتا ہے, ہاں پانی ہو جاتا ہے. چلو ایک جلا لو, ایک سامنے اور ایک پیچھے جلا لو, ابھی ہو جائے گا. ایسا کرنا پڑے گا کس ایڈجسٹ. چلو آپ سیدھے سیدھے دکھاؤ سب آ جائے گا. ایک سو تو آؤ آپ دیکھیے سامنے دیکھیں پانی کے اندر تصویر دکھائی دے رہی ہے آپ لوگوں کو, پیچھے سے پانی کے اندر تصویر. ادھر آئیے, ادھر آئیے, ادھر آئیے دادا جی, ادھر آئیے. یہاں سے دیکھ سکتے ہیں گیٹ پہ کون آئے, آگے بڑھ گئے, آگے بڑھ سکتے ہیں. ادھر سے دیکھ سکتے ہیں پانی ہے, وہ سامنے پانی کی کوشش کر رہا ہے. بڑے بڑے انجینئر شیر ہو گئے, کتنے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, دیکھا آپ نے.